बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे गर्ल्स के फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, ये फ्रॉक डिज़ाइन हम 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बनाए हैं। व्यूअर्स, ये फ्रॉक डिज़ाइन हमने स्पेशल ईद के लिए बनाए थे, लेकिन वीडियो हम इसकी ईद के बाद अपलोड कर रहे हैं। और व्यूअर्स, ये ड्रेस हमने थोड़ा फैंसी लुक में बनाए थे, क्योंकि ये हमने ईद के लिए बनाए थे। और व्यूअर्स, ये देखें, ये बाहर से हमने लैस अटैच की है इसकी जैकेट की तरह, ये देखिए। और दरमियान में हमने ये गोटे की तिरछी लाइनें लगा दी थी। और व्यूअर्स, ये हमने ड्रेस कट पीस से बनाया था, तो इस वजह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग इसी तरीके से की है कि हमारा ये फील ही ना हो कि हमने ये कट पीस से बनाया है, हमारा ये ड्रेस ऐसे फील हो कि जैसे हमने ये कपड़ा लेकर बनाया है। और ये दरमियान में हमने ब्लैक कलर की पट्टी लगाई थी, उसके ऊपर हमने ये दो गोटे की लाइनें लगा कर ऊपर हमने ये मिरर वाले फ्लावर लगा दिए थे। और व्यूअर्स, ये जैसे दुपट्टे के बॉर्डर वाला कपड़ा होता है, वैसे ही इसका कपड़ा था। इस कपड़े को हमने ये देखें, ये बॉर्डर जोड़कर हमने इस तरह जैकेट स्टाइल इसकी ये हमने फ्रॉक का टॉप पार्ट बना दिया है। व्यूअर्स, ये देखें, ये इसकी स्लीव है, स्लीव भी हमारे पास कपड़ा कम था, तो इस वजह से हमने ये देखे स्लीव में ये जोड़ लगा कर हमने ऊपर से ये गोटा अटैच कर दिया है, नीचे से बॉटम पर हमने ये लैस लगा दी है। और ये देखें स्लीव की लुक, और ये हमारी पूरा फ्रॉक का टॉप पार्ट देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। व्यूअर्स, ये देखें, नेक हमने राउंड शेप में इसका रखा है। ये हमने चुनट्स वाला फ्रॉक रेडी किया है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आज की वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे हम कट पीस से इतने खूबसूरत फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। बड़े बच्ची के भी हम इस तरह कट पीस का कपड़ा लेकर फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने फ्रॉक का बॉटम तैयार किया है। ये देखें, बॉटम पर हमने ये नीचे छोटी छोटी लैस अटैच कर ली है और तीन हमने ये गोटे की लाइनें लगा दी हैं। ये देखें, इस तरह हमने ये इसका बॉर्डर बनाया है फ्रॉक का। और ये देखें, ये फ्रॉक के बॉर्डर पर भी इसी तरह ही डिज़ाइन है जिस तरह हमने ये जैकेट पर डिज़ाइन बनाया है। ये देखें, ये साइडों पर भी, ये देखें स्लिट वाली साइड पर भी, ये देखें इसी तरह ये बॉर्डर था, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि हमने ये कट पीस से फ्रॉक रेडी किया है। ये देखें, ये बैक साइड है इसकी, बैक साइड पर हमारा ये बॉर्डर हमने ये देखें नीचे कर दिया, ऊपर हमने ये फ्लावर कर दिए हैं। और ये देखें, बैक साइड से भी हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी स्टाइलिंग दी है कि फील ना हो कि हमने ये कट पीस से रेडी किया है। और ये हमारे बैक साइड का बॉटम है, ये देखें, बॉटम पर हमने ये लैस ही अटैच की है व्यूअर्स, हमने इस पर गोटे की लाइनें नहीं लगाई, गोटे की लाइनें हमने फ्रंट साइड पर लगाए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी फ्रॉक फुल लुक है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया होगा। व्यूअर्स, ये सेकेंड फ्रॉक है, ये रेड कलर में है। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने ये शोल्डर पर डिज़ाइनिंग किया गोटे से। व्यूअर्स, ये शोल्डर पर जो हमने डिज़ाइनिंग की है, ये हमने अलग से कपड़ा लगाकर उस पर हमने ये गोटे की लाइनें लगाई हैं, और बाहर से हमने पाइपिंग लगाकर वो ये डिज़ाइनिंग हमने इसके ऊपर अटैच की है, ये देखें। और उसमें हमने ये गोटे वाली पत्तियाँ लगा दी हैं, और राउंड शेप में हमने नेक बनाया है इसका। और ये देखें, नेक पर भी हमने पाइपिंग लगाई है, ये देखें, ये हमने डोरी वाली पाइपिंग लगाई है इसमें। और साथ व्यूअर्स, हमने ये मिरर लगाए हैं, ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स हैं व्यूअर्स, स्लीव में हमने छोटी लैस अटैच की है और फ्रिल बना के लगाई है नेट की। और ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसके पैनल बनाए हैं व्यूअर्स, ये बगैर कट के हमने ये फ्रॉक बनाया है। ये पैनल्स हमने इसके ऊपर से ही बनाए हैं, हमने ये कट नहीं लगाया, ये ऊपर से ही हमने मेजरमेंट करके इसकी लाइनें लगा कर इसके ऊपर हमने ये गोटे की लाइनें लगा दी हैं। ये देखें, ये हमने इसमें कट नहीं लगाया, ये ऊपर से ही हमने डिज़ाइनिंग की है पैनल की। व्यूअर्स, ये इसकी लुक इस तरह लग रही है जैसे हमने इसमें पैनल कट किए हैं। ये देखें, ये ओपन कट हमने इसमें रखा है, ये देखें। और ये देखें, फ्रॉक के दामन पर भी हमने ये लैस अटैच की है, और साथ हमने व्यूअर्स ये फ्रिल बना के लगाई है। व्यूअर्स, ये हमारा दुपट्टा था, ये हमने दुपट्टे के फ्रॉक रेडी किया है, ये जैकार्ड का दुपट्टा था उससे हमने ये फ्रॉक रेडी किया है। ये देखें, ये व्यूअर्स हमने ईद के लिए ड्रेसेस बनाए थे, इस वजह से हमने इस पर गोटा लगाकर इसको थोड़ी फैंसी लुक दी थी। व्यूअर्स, ये देखें, ये पफ स्टाइल में हमने इसकी स्लीव रेडी की थी। व्यूअर्स, अगर आपको इनकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और गर्ल्स के फ्रॉक डिज़ाइन और बेबी गर्ल्स के फ्रॉक डिज़ाइन की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, और आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे हम लेफ़्ट ओवर पीसीस से और बचे हुए पीसीस से, जो ड्रेस के साथ कपड़ा बच जाता है, उनसे हम कितने खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक रेडी करते हैं। तो इन वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आए होंगे। ओके व्यूअर्स, अपना और सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।